आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सही राम पहलवान जो आम आदमी पार्टी से लोकसभा चुनाव प्रत्याशी हैं उनको पहलवानी करनी चाहिए, अखाड़े में रहना चाहिए और राजनीति आपको करनी चाहिए, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने दसवीं दिल्ली में ऐसी पकड़ बनाई है कि सातों के सातों सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी ही आएगी और दक्षिणी दिल्ली पर उन्हीं की जीत होगी। देखिए, यदि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो वो भी कहता है कि मैं ही जीत रहा हूँ, सबकी जमानत जब्त हो रही है। और अरविंद केजरीवाल का रोज जो रोना धोना रहता है, मुझे केंद्र काम नहीं करने दे रहा, मुझे भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही, मुझे LG काम नहीं करने दे रहे, इसको सुनते सुनते लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं। दिल्ली की जनता 7 के 7 सीटें डालेगी और पूरे देश भर से 400 से ज्यादा सीटें मोदी जी को मिलेंगी। मोदी लोगों का ये कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कहीं टिकते नहीं है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट पड़ा था। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर मिला है, लोगों में कमाल का जोश और उत्साह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में बना हुआ है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लोकसभा चुनाव प्रत्याशी भाजपा से रामवीर सिंह भदौरी जी। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगी और स्वागत करूंगी अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपकी बधाई और शुभकामनाओं के लिए। लोकसभा चुनाव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, तो क्या खास तैयारियां कर रहे हैं इस बार आप? देखिए, जहां तक तैयारी की बात है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली जाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, देश में जो विकास के कार्य उनके द्वारा किए गए हैं उनके बारे में और उनकी नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट में 10 विधानसभा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर मिला है, लोगों में कमाल का जोश और उत्साह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में बना हुआ है। लोगों की यही इच्छा है कि मोदी जी 400 से ज्यादा सीटें जीतकर देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट पड़ा था और इस बार मैं जो माहौल दिल्ली भर में देख रहा हूँ, दक्षिण दिल्ली में जैसे मैंने आपको बताया है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और क्षेत्र के RWS के पदाधिकारियों से, गणमान्य लोगों से मिलने का और बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो लोगों का ये कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कहीं टिकते नहीं है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट पड़ा, इस बार लोगों को मानना ये है कि 70% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दिल्ली के सम्मानित मतदाता देंगे और दिल्ली की सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और मोदी जी के झोली में दिल्ली की जनता 7 के 7 सीटें डालेगी और पूरे देश भर से 400 से ज्यादा सीटें मोदी जी को मिलेंगी और मोदी जी बहुत शान के साथ फिर भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका जो भारत को विकसित देश बनाने का जो सपना है, भारत की अर्थव्यवस्था अभी हम दुनिया में 5वें नंबर पर है, इंग्लैंड भी हमसे पीछे है जिसने कभी हमारे मुल्क के ऊपर राज किया था, तो इस बार हमारी अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर आ जाए, ये देशवासियों की ये इच्छा है, यही इच्छा श्री नरेंद्र मोदी जी की है। अभी लोकसभा में भी हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे, विधानसभा का चुनाव होगा, लोगों ने मन बना लिया है, जब केंद्र में भी मोदी जी की सरकार आ रही है और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार हम लाएंगे, जिससे कि दोनों सरकारें, केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार, आपस में बेहतर तालमेल करके और मोदी जी का जो सपना है दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का, वो सपना पूरा हो सके। और अरविंद केजरीवाल का रोज जो रोना धोना रहता है, मुझे केंद्र काम नहीं करने दे रहा, मुझे भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही, मुझे LG काम नहीं करने दे रहे, इसको सुनते सुनते लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं।
और लोगों ने मन बना लिया है अब दोनों केंद्र में भी और दिल्ली में मोदी जी की पार्टी की सरकार बन रही है। इसलिए दिल्ली की जो अनेक समस्याएं उनके समाधान के लिए मोदी जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद की आवश्यकता है, वो दिल्ली की जनता की ओर से इस चुनाव में मिलने जा रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सही राम पहलवान जो आम आदमी पार्टी से लोकसभा चुनाव प्रत्याशी हैं, उनको पहलवानी करनी चाहिए, अखाड़े में रहना चाहिए और राजनीति आपको करनी चाहिए, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने दक्षिणी दिल्ली में ऐसी पकड़ बनाई है कि सातों के सातों सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी ही आएगी और दक्षिणी दिल्ली पर उन्हीं की जीत होगी। देखिए, यदि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो वो भी कहता है कि मैं ही जीत रहा हूँ, सबकी जमानत जब्त हो रही है, ये जनता से जाके पूछिए कौन जीत रहा कौन हार रहा, आपको मालूम हो जाएगा। बहुत बहुत